हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फानिया जावेद और आज मैं आप लोगों के साथ होम मेड स्किन फेस वाश बनाने का तरीका बताऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये क्या क्या है। ये देखें, ये बेसन है 1 टेबल स्पून, ये मसूर की दाल है, ये देखें, ये वाली इस तरह की होती है, मसूर की दाल है ये पीसी हुई 1 चम्मच, और ये मुल्तानी मिट्टी है, ये देखें। तो मैं आप लोगों को 3 फेस वाश बनाने का तरीका बताने वाली हूँ और आप लोग ये तीनों यूज़ करें, बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने यूज़ करना है, आप इसको समर में यूज़ करें, तो आप लोग चाहें तो आप इसको वीक में एक दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हो, वीक में एक दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हो, चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हो। और ये रोज़ वाटर है, और ये फेस वाश है, आप इसको डेली यूज़ करें, बहुत अच्छे फेस वाश हैं ये। आप लोगों ने इसको यूज़ करना है तो इससे आपकी पिगमेंटेशन, हाई पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा दूर होगी, इससे आपकी फेस जो है वो ग्लोइंग करेगा, इससे आपके जो डार्क स्पॉट हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इससे ये नहीं है कि आपने इसको दिन में एक दफ़ा यूज़ करना है, आप अगर दिन में 2 या 3 दफ़ा मुंह धोते हैं तो आप इसके साथ धोएं, ये बहुत अच्छा फेस वाश है ये। ये देखें, इसको आपने थिक लेयर बनानी है इसकी, ये देखें इस तरह की है ये। फिर हम बनाएंगे मसूर की दाल, ये भी फेस वाश है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि ऑयली ड्राई स्किन वाले यूज़ करेंगे, सभी स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मसूर की दाल का फेस वाश है, आप लोग यूज़ करें, बहुत अच्छा फेस वाश है ये। आप लोगों ने जब इसको यूज़ करना है तो आप इसको सबसे पहले टोनर, कोई भी आप टोनर ले लें, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप ये रोज़ वाटर वाला टोनर लें, पहले चेहरे पे स्प्रे कर लें तो फिर आप लोग ये कर लगाएं, तो बहुत अच्छा इससे ग्लो आएगा। आप लोग ट्राई करके देखें, चाहे तो ये आप ये होम मेड टोनर लिए, होम मेड रोज़ वाटर ले लें, तो चाहे आप तो बाज़ार वाला ले लें। ये देखें, ये भी बन चुके हैं, ये देखें, ये मसूर की दाल का फेस वाश है, आप लोगों ने यूज़ करना है, इससे आपकी जो गर्मियों में पिगमेंटेशन और सन टैनिंग हो जाती है वो इससे आपकी दूर होगी। तो गर्मियों में जाती हैं तो स्किन रेड रेड हो जाती है, सनबर्न जिसको कहते हैं, ये भी आप यूज़ करेंगी फेस वाश तो इससे भी आपकी वो दूर हो जाएगी। आप लोगों ने यूज़ ज़रूर करना है और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों को तो ये तीनों फेस वाश कैसे लगे हैं। अब मैं मुल्तानी मिट्टी का बनाऊंगी, ये देखें, और ये वाला जो मुल्तानी मिट्टी वाला फेस वाश है ये भी आप यूज़ करें, इससे आपके ऊपर पोर जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे, पिंपल भी आपकी ख़त्म हो जाएंगे, इससे स्किन आपकी साफ हो जाएगी। जो ब्राउन कलर के जो तिल होते हैं जिनको स्पॉट कहा जाता है, वो तिल नहीं होते, वो ब्राउन कलर के वो स्पॉट होते हैं, आप इसको लगाएंगे वो भी इससे आपके रिमूव हो जाएंगे। ये देखें, थोड़ी इस तरह की लेयर आपने बनानी है, थोड़ी सी पतली, इसको थोड़ी देर रखेंगे ये और सही हो जाएगा ये। ये देखें, तो आपने इन तीनों को यूज़ करना है, तो मैं इस तरह यूज़ करती हूँ, वीक में एक दफ़ा इसको लगाती हूँ, वीक में एक दफ़ा इसको लगाती हूँ, और वीक में एक दफ़ा इसको लगाती हूँ, और आप इन तीनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यह बताऊँगी कि आप लोग अगर सनबर्न या हाई पिगमेंटेशन है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, तो ओपन पोर्स से पिंपल आपके इससे भी क्लोज होंगे, ये बहुत अच्छा है फेस वाश है। तो आपने इन तीनों को 1-2 मिनट के लिए लगा के थोड़ी सी मसाज करनी है, फिर आप चेहरा वाश कर लें।
तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।